गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए मेरे गजानिया के प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। वैसे तो विंटर के बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में अब ख़राब हो चुके हैं, जिनकी मिट्टी निकालकर मैंने सुखा दी है। और विंटर सीजन में जितने भी प्लांट आप लोगों ने लगाए हैं उनकी मिट्टी कम से कम 8 से 10 दिन तक आप ऐसे ही फैला कर रखिए, जिससे सूर्य का प्रकाश उनमें पड़े और फंगस वगैरह जो इन्फेक्शन है या फंगस है वो सारे नष्ट हो जाएँ। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, ये अभी खिल रहे हैं इसलिए इनको मैंने नहीं हटाया है। और आज जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है साथ ही साथ। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने पोर्च गार्डन में और ये वीडियो मैंने लिया है सुबह लगभग 6 बजे। और 6 बजे देखिए इसकी जो फ्लावर है उसके ऊपर देखिए ओस की बूंदों की तरह जो दिखाई दे रहा है, वो जड़ों से कभी कभी इस तरह फ्लावर पे पानी आ जाता है। और यहाँ पर तो मैंने पोर्च में रखा है तो ओस की बूंदें कहाँ से पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा लगा आज सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा और ये पीस लिली का जो फ्लावर खिला हुआ था तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये सारे प्लांट मैंने टेरिस पे रखे हुए थे जहाँ पर कि लगभग 1-1.5 घंटे की ही इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती थी इनको, और अभी इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पीस लिली के प्लांट में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें और इसकी केयर कैसे करें विंटर सीजन में। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, लेकिन बिल्कुल भी इसे इंडोर नहीं रखा जा सकता। यदि आप एकदम डायरेक्ट इंडोर रखते हैं तो इनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां रहेगी। तो जहां पर अच्छी ब्राइट लाइट आती है ऐसे जगह पर इसे प्लेस करना है आपको और फ्लावरिंग भी लेनी है। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं कि कैसे मिट्टी में इसे हम लगाएं। तो बिल्कुल इसके लिए भुरभुरी मिट्टी तैयार करें, ख़ास तौर पर आप राइस हस्का का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक भाग गार्डन की मिट्टी, एक भाग राइस हस्क धान की भूसी और एक भाग वर्मिक कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट, एक मुट्ठी नीम खली, एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर और एक चम्मच एप्सम सॉल्ट, DAP के 3-4 दाने, इस तरह से इसकी मिट्टी आप तैयार करें। और आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मिट्टी आप तैयार करें और उसी में आप लगाएं। तो जो पीस लिली का प्लांट है वो हमारे यहाँ 50 से 60 रुपीज़ में नर्सरी में मिल जाते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड जिसे आप एक बार अपने नर्सरी में से लाते हैं तो आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है, क्योंकि इनमें इतने सारे बेबी पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं जिसे डिवाइड करके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इनकी पत्तियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ग्रीनरी लाता है। यदि इनमें फ्लावर जिस समय नहीं आते हैं ना बाकी सीजन में तो भी ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन को दिखाता है, गार्डन में ग्रीनरी लाता है। और देखिए इनमें कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, मैं चाहूँ तो इसे 5 प्लांट तैयार कर सकती हूँ। और ऐसे ही मैंने एक प्लांट लाया था जिससे मैंने लगभग 6 पॉट तैयार किए हैं और 6 पॉट में 5 पॉट में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ये प्लांट को नासा ने प्यूरीफाई घोषित किया है। तो आप इसे अपने घर में शुद्ध हवा लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और वैसे भी शहरी क्षेत्र पे जब हम रहते हैं तो हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत काफ़ी होती है। तो अपने गार्डन में ऐसे ही प्लांट लगाएं आप ज़्यादातर, जिन जो प्लांट हवा को शुद्ध करते हैं। तो पीस लिली का प्लांट भी हवा को शुद्ध करता है। इनके फ्लावर कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए मैं पूरा तो नहीं खोलूँगी क्योंकि ये अभी पूरी फ्लावरिंग पर नहीं आया है। इस तरह से इनके जो फ्लावर है वो फोल्ड होते हैं और खिलने के बाद तो जैसे कि नाक का फन होता है उस तरह दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। सभी प्लांट में देखिए इस तरह के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसे कैसे जगह पर प्लेस करना है, तो आप इसे ऐसे जगह पर रखें जहां पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। और मेरा पोर्च गार्डन आप लोगों ने देखा है 2-3 पॉट में तो लगभग दिन की 2-3 घंटे की धूप भी मिलती है और बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट इनको मिलती है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, पीस लिली के प्लांट में लेवेंडर जैसी खुशबू आती है। और आप देख रहे हैं कितना प्यारा फ्लावर आया है, वाइट कलर के होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ग्रीन पत्तियां और वाइट कलर के फ्लावर। और बीच में जो ये इस तरह से जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये प्लांट इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, जो बिगनर्स हैं जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं वो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि फ्रेंड जब भी आप इस प्लांट को लाएंगे ना तो एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार करेंगे और बहुत आसानी से ये ग्रो भी हो जाती है, तो आपका भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है पीस लिली का प्लांट और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके फ्लावर में देखिए बीच में एक लंबा सा जो दिख रहा है यही इसके फ्लावर्स हैं। और ये तो पत्ती है जो वाइट कलर के निकलती है पत्तियों के शेप में और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और इनके फ्लावर जो है ना 2 महीनों तक इसी तरह कंटिन्यू बने रहते हैं वाइट कलर में,
जैसे ही 2 महीने होते हैं और इनके जो वाइट कलर के फ्लावर हैं वो बिल्कुल हरे से होने लगते हैं, पत्तियों की कलर में आने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये फ्लावर ख़राब होने लगे हैं, तो उन्हें कट करके आपको हटा देना है। तो बहुत ही ईजी है। और इसके फर्टिलाइज़र के बारे में चलिए बात करते हैं। इंसेक्ट अटैक तो इसमें कुछ भी नहीं होते हैं, अभी तक तो कभी नहीं हुए हैं। कैटरपिलर का यदि आपके दूसरे प्लांट में अटैक हुआ है और उनके संपर्क में यदि ये आते हैं तब कैटरपिलर का अटैक हो सकता है। वैसे तो इनमें कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं होते हैं। इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है पीस लिली के प्लांट को, और मैं इन्हें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का अभी मार्च में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ फरवरी मार्च में। आप चाहें तो एक मुट्ठी डालकर गुड़ाई भी कर सकते हैं, और समय समय पर फ्रेंड्स इसे गुड़ाई भी करना है आपको इस प्लांट को, क्योंकि इतना ज़्यादा बेबी प्लांट निकलते हैं कभी कभी रूट बॉन्डिंग भी हो जाती है, तो आपको गमले से निकाल कर नए मिट्टी में इसे लगाना भी चाहिए। और ग्रोथ जब रुक जाती है तो आपको पता भी चल जाता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। एक विशेष बात और भी बताना चाहूँगी कि पीस लिली का प्लांट ख़राब होने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ओवर वाटरिंग होता है। तो जब भी आप इसमें पानी डालें तो हमेशा गमले की मिट्टी 1 से 2 इंच की लेयर की मिट्टी जो है सूख जाए, तभी आप उनमें पानी डालें, और उसके बाद आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। इनकी पत्तियाँ जब झुक जाती हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इनको पानी की ज़रूरत है, तो उतना ज़्यादा सिचुएशन ना लाएं, जल्दी ही पानी दें। और रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है, मैं तो इनको लगभग 3 से 4 दिनों में पानी देती हूँ, कंटिन्यू पानी नहीं देती हूँ। और जिस दिन भी आप इन्हें पानी देते हैं बहुत अच्छे से सावरिंग कीजिए, सारे प्लांट को अच्छे से गर्मी के दिनों में सावरिंग ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने पीस लिली के प्लांट की केयर करती हूँ, और आप लोग भी बहुत आसानी से पीस लिली के प्लांट ला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह से नर्सरी से अभी भी आप पीस लिली के प्लांट ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बिगनर्स जो हैं उन्हें तो मैं यही कहूँगी कि इस प्लांट को ज़रूर अभी इस समय आप लाइए, और देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। इनके फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक, लगभग 2 महीनों तक ऐसे ही रहते हैं, इस वजह से इनके फ्लावर काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, और आपको भी देखकर काफ़ी खुशी होगी कि एक प्लांट में इतने दिनों तक फ्लावरिंग होना काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो लगभग 2 दिनों में ही फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनके फ्लावर जो है काफ़ी दिनों तक इसी तरह टिके रहते हैं। और जब ये फ्लावर ग्रीन होने लगे तो आप समझ जाइए कि इनके फ्लावर ख़राब होने लगे हैं, फिर आप उन्हें कट करके हटा दीजिए। तो इस प्लांट की खासियत यही है कि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत ग्रीनरी लाती है गार्डन में, और फ्लावरिंग होने पर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ग्रीन पत्तियाँ और वाइट कलर के फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और बहुत सारे बेबी पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनसे आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है पास से, देखिए इस तरह से। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स छोटे छोटे से हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ये वाइट कलर की पत्ती ही है एक तरह से, और जो देखने में खूबसूरत लगती है, बिल्कुल नाक के फन की तरह ये दिखते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड, अगर किसी प्लांट की केयर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो नए मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और विंटर के प्लांट अब जाने ही वाले हैं, पिटूनिया देखिए बहुत प्यारा है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।